सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स। एजीसी 500 टैबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन तक यूज किया जाता है, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं एजीसी 500 एमजी टैबलेट जो कि हमारे पास तीन गोली का हिस्से से है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 71.70 यानी कि 71 रुपए करीब इसकी एमआरपी है। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स को सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी टैबलेट्स। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। इसे टॉन्सिल, साइनस, कान, नाक, गला, तवसा और सॉफ्ट टिश्यू और फेफड़ों न्यूमोनिया के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के में इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो अगर आपके गले में खराश है या गले में दर्द हो या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन एडल्ट में यानी कि इसको खाना खाने के बाद एक गोली ले सकते हैं, वो भी 3 दिन कंटिन्यू ले सकते हैं और वो भी अपने डॉक्टर की देखरेख में। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल करें यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं ले रहे, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन कर रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको होगा, आपको उल्टी हो सकती है, मिसली आना हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या पेट में क्रैम्प हो सकता है या फिर डायरिया दस्त हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स किस प्रकार काम करता है, एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि एजिथ्रोमाइसिन वो एक एंटीबायोटिक्स दवा है। ये उन आवश्यक प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को रोकती है जो बैक्टीरिया के काम करने के लिए जरूरी होती है। इस तरह यह बैक्टीरिया को बढ़ने से और संक्रमण को अधिक फैलने से रोकती है। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको यह न मिले तो उसके अल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आता है जीथ्रोम 500 एमजी टैबलेट्स, एजिथ्रल 500 एमजी टैबलेट्स या एजी 500 एमजी टैबलेट्स या फिर जेडी 500 एमजी टैबलेट्स, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये न मिले तो इसका मॉलिक्यूल रहता है एजिथ्रोमाइसिन 500 एमजी टैबलेट्स, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। एजीसी 500 एमजी टैबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था। कोई भी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।